दोस्तों हाल ही में जापान ने दिया भारत को एक जोरदार झटका। क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि इस साल के सितंबर महीने में भारत के अंदर G20 की मीटिंग होने वाली है। इसमें दुनिया के 20 सबसे पावरफुल यानी कि महाशक्ति वाले देश के लीडर शामिल होंगे। लेकिन इस बैठक के पहले सभी देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में बैठक होता है और उस बैठक में सभी देश के विदेश मंत्री ये तय करते हैं कि इस मीटिंग में किस चर्चे पे बात होगी और कौन से फैसले लिए जाएंगे। अब दोस्तों असली दिक्कत तो यहाँ पे शुरू होती है। अब इस मीटिंग के लिए सभी देश के विदेश मंत्री राजी भी हो गए थे और यहाँ तक कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश चाइना के विदेश मंत्री भी राजी हो गए थे। लेकिन इसी बीच जापान ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका देते हुए कहा कि हम अपने विदेश मंत्री को भारत नहीं भेज सकते हैं। अब इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि भारत ने रशिया यूक्रेन वॉर में अभी तक रशिया के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अब जापान के इस फैसले से भारत के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जो हमेशा से ही भारत का हर एक मुद्दे पर साथ देता आया है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जापान के इस फैसले के पीछे ये भी कारण हो सकता है कि अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसे पश्चिमी देश जापान के ऊपर दबाव बना रहे हो ताकि कैसे न कैसे करके भारत यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ वोट कर दे। अब दोस्तों इसके पीछे आपको क्या लगता है, इस मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।